अच्छा ये बताइए कि जहां तक लोकसभा का सवाल था, वहां पे एक तरह की सिंपथी थी, उद्धव ठाकरे के लिए सिंपथी थी, मोदी जी के जो अपने वोटर थे, भाजपा के जो अपने वोटर्स थे, उनमें भी जैसे मुझे बहुत से लोग मिले, उन्होंने कहा हमें मोदी जी तो बहुत पसंद है, लेकिन ये बेचारा उद्धव, इनके साथ जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ। मैं ये जून की बात कर रही हूँ। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि जो स्प्लिंटर पार्टीज है, एनसीपी पवार, एनसीपी अजीत, शिवसेना शिंदे, बोथ आउट परफॉर्म द पेरेंट पार्टीज। ये एट टू द पॉइंट कि उनकी पेरेंट पार्टीज की अब एग्जिस्टेंशियल फ्यूचर मुझे लगता है इन डाउट है। अगर शरद पवार के एमपीज उनको छोड़ के चले गए, अगर उद्धव ठाकरे के जो बचे कुछ लोग हैं उनको छोड़कर चले गए, बेसिकली एकनाथ शिंदे हैज बीन एक्सेप्टेड एज द पॉलिटिकल इनहेरिटर ऑफ द बाला साहेब लेगेसी, एंड अजीत पवार की परफॉर्मेंस तो शायद बीजेपी के अपने सपोर्टर्स ने शायद एंटिसिपेट नहीं की होगी। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? जैसे मैंने कहा कि मेरी बात इसमें भी आप वापस मान लीजिए, ये सिर्फ मीडिया और हम जो बात कर रहे हैं उनके दिमाग में है कि ये पैरेट पार्टी है, ये पवार की पार्टी है, जी इसकी पार्टी उसकी पार्टी। अभी जो वो वोट कर रहे हैं, बस वो अभी के लिए वोट कर रहे हैं। तो अब हो ये रहा है कि मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए अजित पवार है, उनके साथ थोड़ा सा गुस्सा है और शायद शरद पवार जी के साथ थोड़ी सी सिंपैथी और नरमी है। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि यार ये तो यहाँ खड़ा है, तो नॉट ओनली एनसीपी का, एनसीपी यूनाइटेड का वोट, बट आप ये देखिए उसमें बीजेपी और शिवसेना का भी तो वोट जुड़ जा रहा है। तो जब वो पॉजिटिव 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 हो रहा है, जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव इन फेवर ऑफ अगाड़ी हो रहा था, तो यू फाउंड दैट, सी ब्यूटी देखिए, आप ब्यूटी देखिए कि सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट 10 में से 8 सीट शरद पवार जी की पार्टी का था लोकसभा में, करेक्ट। उसके बाद कांग्रेस का था 13 सीट जीतने के बाद, उसके बाद लास्ट में उद्धव का था। अब आप पैटर्न ड्रॉ कीजिए, केवल अगाड़ी में सबसे खराब शरद पवार जी का, 85 में से 10 सीटें। उसके बाद नेक्स्ट करेक्ट। नंबर पे कांग्रेस का है, 2 नंबर पे कांग्रेस का, और जो लास्ट थी उद्धव की पार्टी है वो फर्स्ट पे 20 सीटों के साथ। हाँ तो बिल्कुल। इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं वापस कह रहा हूं, ना ऐसा कुछ होता कि किसकी पार्टी किसकी क्या लेगेसी, ये सब कुछ नहीं है। आज इस इलेक्शन में ये हुआ है, हो सकता है आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से बरखा जी, राजनीति में इसीलिए कहा जाता है कि कोई नेता कोई पार्टी कभी खत्म नहीं होती, यदि वो कोशिश कर रहे, तो अब कोशिश ही नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, बट पब्लिक की नजर में वो कभी खत्म नहीं होती। तो ये बताइए, क्या एमवीए ने कोशिश नहीं की? एमवीए ने कोशिश की जरूर, लेकिन कोशिश का जो अंतर है वो इतना बड़ा था, जो डिफरेंस बिटवीन बोथ द साइड इज टू मच एज फार एज द एफर्ट्स। आप खुद देखेंगे कि जो शरद पवार जी हैं उनकी अपनी एज और हेल्थ के चलते अपनी एक लिमिटेशन। दूसरे एंड पे कांग्रेस के अंदर आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक नाना पटोले जी जो है आपको दिखेंगे कि फोर फ्रंट पे, बाकी मोस्टली जो बड़े और पुराने लीडर्स हैं वो आपको फोर फ्रंट पे या जमीन पे उतने नहीं दिखेंगे। उसके बाद राहुल गांधी जी, आप खुद मुझे बता दीजिए कि लोकसभा में कितनी बार, जबकि लोकसभा तो पूरे देश का चुनाव था, कितनी बार वो महाराष्ट्र में आए और कितनी कोशिश की, प्रियंका गांधी जी ने कितनी कोशिश की वर्सेस इनके दूसरे दूसरे तरफ वालों के। तो दोनों के एफर्ट्स में उनका तो ये ज्यादातर समय उसी में चला गया कि चीफ मिनिस्टर कौन हो। कितनी बार उद्धव साहब ने दिल्ली भी गए और उनकी मीटिंगें हुई, और फिर फाइनली पवार साहब को कहना ही पड़ा कि भाई देखो जिसकी ज्यादा सीट आएगी वही होगा बस। उसके बाद सीट शेयरिंग के मामले आपने देखे, सीट शेयरिंग के मामले में भी इनके बीच में काफी समय लगता है क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। देखिए एक पार्टी बॉम्बे में है शरद पवार जी, फिर भी कहें तो बारामती में है, और ये दिल्ली में है, तो जो कोऑर्डिनेशन होता है जो वो बड़ा मुश्किल होता है, खासकर जब जब आप अपोजिशन में हैं। यहाँ पे बीजेपी चूंकि पोजीशन में पोल आई मीन सेंट्रल में है, तो कुल मिला के दोनों फ्रैक्शन, जो दूसरे जो फैक्शन है शिंदे सेना और अजित पवार, उनको सुनना ही पड़ता है। तो उनको उतना समय नहीं जाता, इनको काम करना पड़ेगा बिकॉज यू आर इन द गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से भी इन्होंने एफर्ट्स ज्यादा किए। पर ये बताइए कि ये जो महायुति है, जहां पे अब खबर आ ही रही है कि फडणवीस जी मुख्यमंत्री
बनने जा रहे हैं. ही इज ऑल सेट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर विद एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार इज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. इन्होंने भी तो कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया. सो व्हाई वाज द ऑपोजिशन परसीव टू बी लेस यूनाइटेड नहीं देखिए महायुति पब्लिक की नजर में जो इनकमबेंट चीफ मिनिस्टर होते हैं उसका बहुत ज्यादा रिकॉल होता है, तो लोग शिंदे को ही समझ के चल रहे हैं. दूसरा शिंदे के साथ ये प्लस गया एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी कि ही कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड. ही सीन एज अ प्रो पुअर सडनली, क्योंकि पैसे भी दे दिए अब तो, पुअर फैमिली से आते भी थे, ओरिजिन भी वही है. तीसरी सबसे बड़ी बात, ही रेजोनेट विद मासेस वेरी वेल. बीजेपी आलाकमान के सामने, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है कि बहुत बड़ा धर्म संकट उनके सामने है. एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. अब शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ये है कि भाई इतनी बड़ी जीत हुई है, 132 सीटें आई है, सिर्फ 13 शॉर्ट है मेजॉरिटी मार्क्स से, तो अब ना सीएम होगा बीजेपी का तो कब होगा, और बीजेपी के कार्यकर्ता कैडर और पूरा सिस्टम. दैट्स द नंबर एक. एक ये कंसिडरेशन के पॉइंट है. दूसरे कंसिडरेशन के पॉइंट ये है कि एक चीफ मिनिस्टर है जिसके जो पॉपुलर है, लोकप्रिय, नंबर वन. दूसरा मराठा है, सबसे बड़ी बात समझिए, अब मराठा है. तीसरा वो मासेस को कनेक्ट करता है. और चौथा, अब आने वाले समय में बीएमसी के इलेक्शन है और भी म्युनिसिपैलिटी के, जैसे बड़े महानगरों में पुणे के भी है, नागपुर के भी हैं, तो ऐसे समय पे इनको अलग करके और इनको लाया जाए तो ये क्या बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी. तो आप कह रहे हैं बीजेपी विल बी स्मार्टर इन मेंटेनिंग स्टेटस को. अब मुझे, मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि बीजेपी क्या करेगी. यदि मैं सोच रहा हूँ, ये सारे कंसिडरेशन पॉइंट्स होंगे किसी को भी निर्णय लेने के लिए, जो आसान नहीं है, जो बिल्कुल आसान नहीं. एक ढाई ढाई साल का भी हो सकता है. अच्छा, अब ढाई ढाई साल का मान लिया, थर्ड ऑप्शन नाउ, वन फडणवीस साहब, टू शिंदे साहब, एंड थर्ड ऑप्शन की दोनों, आप समझ रहे हैं, दोनों. तो दोनों का मतलब ढाई ढाई साल. अब ढाई साल की ब्यूटी ये देखिए कि पहले कौन, अब पहले कौन में आएंगे, तो जो पर्पज है, मान लिया जाए फडणवीस जी को पहले, तो वो शिंदे वाले जो पर्पज है वो डिफीट हो जाते हैं. मान लिया जाए शिंदे जी फर्स्ट, फडणवीस जी सेकंड, देन फिर 5 साल के बाद जब चुनाव में जाएंगे आप, तो सामने शिंदे नहीं होंगे. ओके, दैट्स अ रियल. हाँ, तो चुनाव खत्म हो गया, धर्म संकट है भाजपा के लिए. कांग्रेस की बात करते हैं. बहुत ही बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, बिकॉज द रोल द कांग्रेस हैड अज्यूम्ड एज द पिवट ऑफ द ऑपोजिशन ब्लॉक, क्या वो रोल अब रहेगा, नहीं रहेगा? इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र की अकेली बात नहीं है. अगर आप लोकसभा के बाद, हरियाणा से भी पहले जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं, जहां पे उमर अब्दुल्ला ने रिकॉर्ड पे कहा कि कांग्रेस डिड नॉट पुल इट्स वेट. जम्मू में कांग्रेस की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही. फिर आए हरियाणा पे, जो जीतने वाली इलेक्शन थी वो हार गए. उसके बाद अब आप आए महाराष्ट्र पे. झारखंड भी देखें तो कांग्रेस के अपने सपोर्टर्स, योगेंद्र यादव जैसे जो एक्टिविस्ट है, वो कहते हैं भाई जेएमएम इज अ फेसेवर, जेएमएम ने कांग्रेस को जिताया, नॉट द अदर वे अराउंड. अब कांग्रेस के लिए क्या चैलेंजेस हैं? They are going to be 3 गांधी MPs in parliament because Priyanka Gandhi is of course as expected one Wayanad. But at the same time the Congress organizational structure looks weaker than ever before. क्या बदल गया? अभी 99 सीट्स पे बात हो रही थी, the resurgence of the Congress, the rebuilding of the Congress. आज हम फिर वही बात कर रहे हैं. देखिए, मैं शुरू में कहूँ, हालांकि मेरी तो कोई औकात भी नहीं है और वो भी नहीं है कि मैं कांग्रेस को कोई एडवाइस दूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस जो है अब पुरानी मशीन है, उसमें तो कोई शक नहीं, सबसे पुरानी पार्टी है. उसको पुराने सॉफ्टवेयर से नहीं चल सकती है, उसको नया सॉफ्टवेयर चाहिए. सॉफ्टवेयर का मतलब है थॉट प्रोसेस. अब वो जो पुराने जमाने की थॉट प्रोसेस थी कि पिछले चुनाव में क्या हुआ है तो अब वैसे ही होगा, वहां ऐसा हुआ है तो यहाँ ऐसा होगा, अब ये सब बिल्कुल सबको प्रूवन हो चुका है, ऐसा कहीं पर भी कुछ होता नहीं है.
आपको हर बैटल के अंदर वही शिद्दत के साथ वही उसके साथ जाना है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप हमको हमेशा 60 साल से वोट दे रहे थे तो अब दे देंगे। ये बार बार ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाती है कांग्रेस, बिकॉज वो थॉट प्रोसेस वाली। यदि ये ऐसा सोचने पे मजबूर नहीं होते तो पूरे के पूरे कांग्रेस के लोग यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर बैठे होते कम वॉट एवर में। वो किसी भी तरह हारना नहीं चाहिए, वो एक जो जज्बा होता है ना वो सब रीजनल पार्टियों में। आप देखिए मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि पुरानी मशीन चीज समझिए आप कि जेएमएम, अब जेएमएम को देखिए कि कितने ज्यादा बैकफुट पे जाने के बाद चंपई सुरेन के वो करने के बाद फिर भी लड़े। नीतीश कुमार को देख लीजिए, जब माझी को बनाया था वही वाली बात थी। ममता बनर्जी को देख लीजिए, आपको मैं गिनाते जाऊंगा जितने भी लीडर आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद, लेकिन आप ये देखेंगे कि उनकी जो इंटेंसिटी है टू फाइट द इलेक्शन में और कांग्रेस की इंटेंसिटी में, छोड़िए बीजेपी की, बाकियों की देख लीजिए आप, जमीन और आसमान का फर्क। स्टालिन को देख लीजिए, स्टालिन की हालत तबीयत कितनी खराब थी, बट वो चूंकि जयललिता जी ने उस समय रिपीट कर चुकी थी, वो ऐसा मान के बैठे थे कि हर 5 साल में तो चेंज होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वही चीज केरला में हुई। केरला में भी हर 5 साल में आजादी के समय से होती थी गवर्नमेंट चेंज, बट रिविजन ने रिपीट कर दिया। वहां भी कांग्रेस सामने थी और कुछ नहीं कर पाई, पहले से ज्यादा सीटें लेके आए। रिविजन 90 सीट आई जो कभी 80 से ऊपर होती नहीं थी जीतने वाली पार्टी के लिए, 140 में। तो ये जो चीज है ना, सिर्फ यदि वो ये समझ जाएंगे कि आज की जो समय है, आज जो अपोजिशन पे सामने आने, उनका प्रतिद्वंदी जो सामने है उसको हराने के लिए जो चीज चाहिए, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा की थी, बहुत बड़ा अच्छा एफर्ट था भाई। महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर रहे आप इस तरह के एफर्ट, नॉट आई एम नॉट सेइंग कि यात्रा कर लो, बट आई एम सेइंग वेयर यू सीन ऑन द ग्राउंड, उस इंटेंसिटी के साथ, उस कंसिस्टेंसी के साथ, उस कंटिन्यूटी के साथ। जब नतीजों के दिन जब हमने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को एक हाइपर लोकलाइज्ड इलेक्शन समझा गया था और इसीलिए राहुल गांधी बहुत कम गए महाराष्ट्र, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी उस इलेक्शन को नेशनलाइज कर ले। इस पे आप क्या कहेंगे, क्या ये गलती रही, वॉज दिस अ हाइपर लोकलाइज्ड इलेक्शन, बिकॉज मोदी जी भी इतना नहीं घुसे महाराष्ट्र के मैदान में। नहीं, मोदी जी जितना घुसते हैं किसी भी स्टेट के इलेक्शन में उतना ही गए, इसमें कहीं कोई शक नहीं। एकाध रैली या दो रैली कम हो जाए क्योंकि उनको ब्राजील जाना था, ठीक है, वो वहां पर समिट था, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक वही सोच की बात, मैं बोल रहा हूँ कि आप जब तक ये सोचते रहेंगे कि जैसे कि अब मान लिया जाए थर्ड टर्म चल रही है यहाँ पे सेंट्रल में चल रही, मान लिया थर्ड टर्म चल रही, तो एक जनरल थॉट प्रोसेस या कहती है अब तो होगी यार एंटी इनकम्बेंसी, एक प्रोसेस ये है तो अब तो हम तो जीतने वाले हैं, ये नहीं है तो हम ही तो हैं जहां पर भी हैं, जो भी स्टेट फाइट है वहां पर, तो मतलब एक अपना टाइम आएगा वाली फिलोसफी, अपना टाइम आएगा क्योंकि ये फेल होंगे, हम कुछ भी ना करें तो अपना टाइम तो आएगा, अपना टाइम है क्योंकि ये फेल होंगे तो हम तो खड़े हैं बस। वो इस सोच के चलते इतनी रीजनल पार्टी पैदा हो गई, इसी सोच के चलते, नहीं तो क्यों पैदा होती थी। क्योंकि वो आदमी आके काम कर रहा है ना भाई, वो आपसे बहुत नीचे माइनस से आ रहा है और आप तो ऊपर बैठे हुए सिंहासन पे, तो वो निकल क्यों जा रहा है, क्योंकि उसकी मारक क्षमता जिसको बोलते हैं ना, फाइटिंग जो वो होती है स्पिरिट और जो जुनून होता है वो आपसे बहुत ज्यादा है, उसकी भूख बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की भूख बहुत बड़ी थी, वही मैं कहूँ, वो बंबई हार गए मतलब फिर तो आप भूल जाइए, आप फिर क्या होता आप सोच लीजिए उसका क्या मतलब, वो हो नहीं सकता। पर अंत में पूछूंगी कि कुछ लोग कुछ विश्लेषक का एनालिसिस ये है कि द बीजेपी के नाउ विन इलेक्शंस विदाउट मोदी आल्सो, नॉट कि मोदी फैक्टर इज इररिलेवेंट, बट अगर आप हरियाणा देखें और महाराष्ट्र देखें तो एक तरह से वो जिस तरह से मोदी जी को एक बिल्कुल मैस्कर्ट फ्रंटलाइन मैस्कर्ट बनाया जाता था, अब द प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग यूज्ड मोर स्ट्रेटेजिकली मोर स्पेयरिंगली, ये क्या शिफ्ट हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल सही शिफ्ट है, आप सही सोच रही हैं, सही दिशा में सोच रही हैं, क्योंकि जब इस रिपीट कर रहे हैं ना आप गवर्नमेंट, तो मैंने कहा ना स्टेट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट रिपीट हो रही है उसके परफॉर्मेंस पे है। तो आज जी द फर्स्ट क्रेडिट गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर परफॉर्मेंस एंड सेकेंड क्रेडिट गोज एल्सवेयर, तो उसके चलते दोनों जगह हरियाणा में और यहाँ पर भी वही सीन है कि जीत हो गई उसके उनके मच एफर्ट्स के बिना, जैसे आप कह रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी चीज है, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी आल्सो रियलाइज कि मोदी जी का जो यूज है या जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा हो रही है,
और वो लगातार नहीं हो सकती है कोई भी चीज, इसके लिए और भी दूसरे अल्टरनेट, यानी कि नॉट आई एम सेइंग अल्टरनेट टू द मोदी, आप उसको गलत कोट मत करिएगा, लेकिन मैं ये कहूँ कि भाई इसके अलावा भी और कोई ऐसी वजह और ऐसे कोई विषय होने चाहिए जिससे कि विक्ट्री पुल की जा सके, और इसीलिए इतनी बड़ी हो जाती है जब आपके मल्टीपल एफर्ट्स लग गए ना।